मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, चौकी मोंडा खेड़ा पर इंचार्ज के रूप में पोस्टिंग हुई है। अमरवा जनपद में बताइए कि आज जो यहाँ पर आए हैं आप, यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर कोरपाल जी हैं, ये मधुबा मिलक के रहने वाले, इनके मकान के आंगन में ऊपर से एक ट्रांसमिशन टाइप की कोई वस्तु गिरी थी, उसमें गुब्बारा था वो फट गया था। इन्होंने सूचना दी थी 100 नंबर पर, उसी के तहत हम आए थे। हमने यहाँ पर फील्ड यूनिट की टीम भी बुलाई थी और अन्य और विभाग भी आए, तो फील्ड यूनिट भी इसको देखकर निरीक्षण करके चली गई। अब इसको हम यहाँ जैसा उसमें लपेट के सिल्वर फॉल में थाने ले जा रहे हैं। थाने पर करके अग्रिम कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देशन में की जाएगी, जैसा अभी उच्च अधिकारी हमारे बताएंगे। फॉरेंसिक भेजा जाएगा, ये तो पूरी जानकारी फॉरेंसिक वाले दे पाएंगे। प्रथम दृष्टा जैसे आप आए यहाँ पर, तो आपने प्रथम दृष्टा को जिसमें इंक्वायरी की, क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टा तो ये लग रहा, मैंने इसको google.com पे डाल के देखा है, ये पर्यावरण के बारे में कोई ट्रांसमिशन किसी कंपनी ने लॉन्च किया है। वैशाला नाम की एक कंपनी है जो इस पर पड़ा हुआ है, जो वो दर्शा रहे हैं वो पर्यावरण के बारे में ही है। हो सकता है इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई हो, या मियाद जो इसमें बैटरी सिस्टम लगा होगा तो इसलिए यहाँ पर ही गिर गया। लेकिन फिर अग्रिम कार्रवाई जो होगी वो फॉरेंसिक को ही भेज कर होगी, उच्च अधिकारी जैसा निर्देश करेंगे। वैसे यहाँ सूचना जो है, मतलब लोगों में एक अफवाह फैली थी कि आपको फोन कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है, बम वगैरह की कोई अफवाह नहीं थी। अब जानकारी तो पूरी है नहीं इसके बारे में, भाई हम भी वैज्ञानिक नहीं है, इसके बारे में बता देंगे। जितना देश का है ये फिनलैंड कंट्री है, वहाँ से एलेस्की उसकी राजधानी है, वहाँ पर इसका ऑफिस है। जो नेट पर सर्च कर रहा है आप भी कर सकते हैं, www.com लगा करके वैशाला.com पर जाओ तो पूरी जानकारी इसकी मिल जाएगी। पाल सिंह यादव। कौन सा गांव है? ग्राम मिलक मधुआ। ये बताइए कि आपके गांव में आज क्या हुआ? आज दोपहर 1 बजे के लगभग कोई आसमान से चीज़ गिरी है, जिसमें एक गुब्बारा लटका हुआ था, डिवाइस थी कोई किसी तरह की। 100 नंबर पर फ़ोन करा, पुलिस आकर यहाँ इंक्वायरी कर रही है, टीम बुलाई गई है। तो किसने देखा था सबसे पहले घर में? ये हमने ही देखा था जब आवाज़ हुई गिरी देर। हाँ जी, नारायण सिंह यहाँ पर रहना। हाँ बताइए जो ये हुआ इनके घर में क्या है? यही तो गुब्बारा में बंधा हुआ था, यंत्र गिरा है दोपहर 1 बजे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सब फोन आ रहे हैं जगह जगह से, हमें भी आना पड़ा। क्या लगा आपको पहले सूचना क्या मिली आपको? ऐसा ही कोई यंत्र सा बता रहे थे, कोई यंत्र गिरा है ऊपर से। और आप प्रधान है तो कैसी अफवाह फैली थी? क्या अफवाह? उस पर पूरे ग्रुप पर घेर दिया था, ये फोटो था इसका। क्या मतलब लोगों ने तो क्या जान लिया था, क्या माना था? लोगों ने तो कोई ऐसी सूचना ना आई, कह रहे थे क्या गिरा है बताओ, तुम्हारे गांव में कुछ गिरा है, ग्राम पंचायत में कुछ गिरा है, ऐसी अफवाह थी। कई जगह से फ़ोन आए, अधिकारियों के फ़ोन भी आ रहे हैं। अब क्या हुआ? अब बस दरोगा जी ले गए इसे, अपने जो भी होगा आगे थाने में धरेंगे, ले जाकर DM साहब के सपोर्ट करेंगे, जो भी होगा।